एकोकार सत्ताम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव भंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल स्टेप करता। सो इस क्वेश्चन में क्या है आपको ये इक्वेशन में बोला हुआ है इन अ ट्राइंगल ए बी सी डायग्राम देनी हुई डायग्राम आपने बनानी है। उन्होंने बोला इन अ ट्राइंगल ए बी सी बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स यूजिंग आर एच एस प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। गिवन क्या है बी ई इज इक्वल टू सी एफ ऑल्टीट्यूड्स गिवन है ये और इक्वल ऑल्टीट्यूड्स बोल रहे हैं मतलब बी ई सी एफ के और ये एंगल 90 के गिवन है तो मैंने गिवन लिखा। तो प्रूफ क्या करना है ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलस है पर किसके साथ आर एच एस रूल के साथ। तो मैं इस आर एच एस रूल के साथ प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा एफ बी सी को ई बी सी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा। एफ बी सी में एंगल एफ 90 है ई बी सी में एंगल ई 90 है। एफ बी सी में बी सी साइड है ई बी सी में भी बी सी साइड है कॉमन। एफ बी सी की एफ सी साइड ई बी सी की ई बी साइड गिवन है इक्वल। एफ और ई दोनों राइट एंगल है हाँ। फिर उसके बाद बी सी बी सी कॉमन है वो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बी सी भी इस 90 के सामने भी है और बी सी इस 90 के सामने भी है मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। और एफ सी और ई बी एक जनरल सी साइड हो गई। रूल क्या लगा बाय आर एच एस रूल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी सी। तो मैं क्या कह सकता हूँ बाय सी पी सी टी बी का मिलता जुलता एंगल सी होगा बी इज इक्वल टू सी बाय सी पी सी टी। अगर बी और सी इक्वल है मतलब दिस इम्प्लाइज ये जो ट्राइंगल ए बी सी है आइसोसेलस ट्राइंगल है तो यही प्रूव करना था कि ए बी सी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है हेंस प्रूव्ड द इक्वेशन दैट्स इट। कौन सी